सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कैसे डीलरशिप लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, नहीं तो सेल्स एंड सर्विसेज लेना है करके हम लोग देखेंगे। अभी एक बहुत अपॉर्चुनिटीज है हमारा पास में, जैसे ब्रिटानिया है, आईटीसी है, नई ब्रांडेड कंपनीज है, सो मसालास कंपनीज है। कौन सा हम लोग को चूज़ करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करके फ्रॉम स्मॉल इन्वेस्टमेंट से लार्ज इन्वेस्टमेंट कैसे जाने का करके हम लोग देखना है। पहले स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए पहले एक डिपॉजिट का एक अमाउंट चाहिए, उसके बाद हम लोग कितना अमाउंट परचेस करते हैं, मटेरियल परचेस करते हैं, ये दोनों मेन है। अभी लार्ज इन्वेस्टमेंट में आप देखेंगे तो पेट्रोल पंप है, टू व्हीलर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हम लोग बेच सकते हैं, एलपीजी, इंडियन भारत, जो कोई भी गैस हम लोग अभी प्राइवेट में सुपर गैस करके भी आ गया है, सो गैस से डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकता है। बट इधर इसके लिए आप लार्ज इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट भी उसके हिसाब से बहुत रहेगा। अभी हम लोग स्मॉल इन्वेस्टमेंट में हम लोग कंसनट्रेट करेंगे। अभी देखेंगे तो ब्रिटानिया में गुड्स है, बिस्किट्स है, आईटीसी में फूड आइटम्स है, आप देखेंगे तो आरोग्या मिल्क है, बहुत सारा मिल्क भी है। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, पहले एक डिपॉजिट देना पड़ेगा, वो 5 लाख टू 10 लाख लगेगा। उसके बाद जो आपका एरिया है, जो आप रखने के लिए होलसेल मटेरियल सब आएगा उसका रह कर आपको रखने के लिए 1,500 स्क्वायर फीट का रेंडल नहीं तो ओन और लीज अग्रीमेंट आपको होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक 4 व्हीलर होना चाहिए, जो कि मटेरियल एक जहाँ से दूसरा शॉप को आप जाकर डिलीवरी करने के लिए। भाई मटेरियल परचेस करने के लिए आपको अमाउंट जरूरत पड़ेगा, कितना अमाउंट आप परचेस करते हैं उसके हिसाब से मटेरियल देगा। सपोज आप एक टाइम अच्छा हो गया, एक साल भी अच्छा से 6 मंथ अच्छा रिलेशनशिप कर रहा है, उसके बाद एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट में दे देगा, 30 दिन के बाद आप पैसा दे दो करके क्रेडिट में भी दुकान दे देंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, FFSI, फूड सेफ्टी जरूरत चाहिए, MSME सर्टिफिकेट चाहिए, यंग एंटरप्रेनर्स आप है, आपकी उम्र एक मेजर है 21 के ऊपर है, तो आपको फोकस बहुत करेगा, आपको देने के लिए बहुत चांसेस है। अभी देखेंगे तो कमीशन अप टू 1 लाख तक देता है, और मंथली आपको इनकम 1 लाख तक आता है, साल में आपको 12 लाख तक आपको आने के लिए चांसेस बहुत है। कि मार्केट स्टडी सब सुपरवाइजर जोनल हेड करके एक है, वो सुपरवाइजर वो मार्केट स्टडी करके हमारे पास 500 दुकान है, आप 500 दुकान को ये मटेरियल आपको एवरेस्ट मटेरियल मसाला डिस्ट्रीब्यूट करो, नहीं तो ब्रिटानिया बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर करके हमको एक लिस्ट दे देगा, फोन दे देगा, एड्रेस सब दे देगा, हम लोग 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में एक टाइम जाकर इसको डिलीवरी करना है। आप सभी शॉप का लिंक दे देगा, उसका फीडबैक भी आप लेकर उसको जमा करेंगे बाद में। आप जाकर मार्केट बिंग करने के लिए जरूरत नहीं है, आपको गेट करने के लिए भी मार्केटिंग मैनेजर 1 वीक में 1 टाइम आपको पास आएगा, 1 हफ्ता में आकर आपको चेक करेगा, आपको अच्छा इनपुट दे देगा। क्या क्या आप बैंक लोन में, आप मुद्रा लोन, PMEGP, नीड कोई भी आप लोन ले सकता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, टाई अप अग्रीमेंट जो आपका जो कौन सा कंपनी का साथ आप किया वो टाई अप अग्रीमेंट चाहिए, रेंटल अग्रीमेंट 1,500 1,000 जो है, लीज अग्रीमेंट, रेंटल अग्रीमेंट, नहीं तो आपका खुद का बिल्डिंग है तो प्रॉपर्टी टैक्स ये सब आप जमा करना पड़ेगा, फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, या MSME सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आप देना पड़ेगा। आपका जो प्रोजेक्ट में कितना आपको लोन चाहिए, कितना साल तक चाहिए, कब आपको रिपे करेगा, कितना आपको इनकम आएगा, कितना है, क्या एक्सपेंडिचर रहेगा, क्या प्रॉफिट है, क्या बैंक का इंटरेस्ट आप देंगे करके पूरा रिपोर्ट ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप वो बता देंगे, तो बैंक से भी एक आदमी आएगा, लोन ऑफिसर आएगा, ना तो बैंक मैनेजर आकर चेक कर ओके जो ये आदमी लोन के लिए पूछ रहा है ये बराबर है, लोन हम लोग दे सकता है करके एक रिपोर्ट दे देगा। आप ऑनलाइन में अप्लाई करना है, जो ऑनलाइन में कंपनी में जाएंगे तो डीलरशिप नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप करके एक कॉलम रहेगा, उसमें आप नेम, आपका नाम, GST नंबर, एड्रेस, आपके ईमेल, फोन और सब आपको दे देंगे, तो कंपनी से एक आदमी आएगा, मार्केट मैनेजर, सुपरवाइजर, जोनल कट आएगा, वो बता देगा ये जहाँ में ये चलेगा, ये दुकान में ये आप देना है, ऑलरेडी इधर एक आदमी है, आप दूसरा जोन जा सकता है, नहीं तो दूसरा मटेरियल दे सकता करके आपको आपका अच्छा गाइड करेगा। मेरा हिसाब से मेरा आपको सजेशन है कि आप खुद मार्केटिंग करने का है, ये जहाँ में क्या क्या चलेगा, कैसे चलेगा, क्या क्या है करके आपको मालूम होने से, आप करने से, आप क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा है, वो जहाँ में चलेगा नहीं चलेगा करके आप भी ये करना पड़ेगा। मेरा अब एडवाइस है, मेरा ये है, अब जरूर डिस्ट्रीब्यूशनशिप, डीलरशिप, सेल्स एंड सर्विसेज। अभी देखेंगे तो ग्राइंडर है, ग्राइंडर रिपेयर करने के लिए, देन मिक्सी रिपेयर करना, हाउस होल्ड आइटम्स जो सेल्स एंड सर्विस सर्विस के लिए आप डीलरशिप ले।
अब देखेंगे तो अभी ये वाटर प्योरीफायर है, वाटर प्योरीफायर HP है बहुत है। अभी एक फिल्टर चेंज करने के लिए 600 रुपीज़ है, 3 महीना में एक टाइम आकर चेंज कर आपको दे देगा। जैसा है कि कोई भी सेल्स एंड सर्विसेज आप ले लेंगे तो आपको अच्छा इनकम आएगा। बैंक में मुद्रा PMEGP कोई भी स्कीम में आप लोन से दे सकता है, ले सकता है। टाई अप अरेंजमेंट्स, रेंटल अग्रीमेंट, फूड सेफ्टी, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब आप जमा करना है। आप खुद मार्केट करना है ये जहाँ में चलेगा या नहीं चलेगा। सो ये सब आप कर कर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट में लार्ज इन्वेस्टमेंट आप जाएंगे तो आपका प्रॉफिट में अच्छा बढ़ेगा। अभी एक डीलरशिप आप ले लिया, दूसरा तीसरा ऐसा आपको दे देगा। सो आपका जो कंसंट्रेशन है, जो हमको प्रॉफिट जरूरी है, जो सेम टाइम जो मटेरियल दिया है वो मटेरियल वो दुकान में जाकर डिलीवरी करने का है। वो दुकान आदमी कभी आप पूछ सकता है कि क्या क्या मटेरियल अच्छा चलता है करके। जैसा है कि ब्रिटानिया बिस्किट्स एक दिन में 10-15 कितना सेल्स करता है, या दूसरा ब्रांड में सनफीस्ट में कोई भी में कितना सेल्स होता है करके आप पूछने से आपको एक आइडिया आएगा। क्योंकि आप गुड डे ले रहा है, ब्रिटानिया ले रहा है और सनफीस्ट ले रहा है, सपोज आप हार्लिक्स बूस्ट, सो वो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आपको सेल्स कर सकता है। आप जो कितना इन्वॉल्व कर कर आप करते हैं उसके हिसाब से आपको अच्छा आउटपुट आएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट से लार्ज इन्वेस्टमेंट। जो आप यंग एंटरप्रेनर है, आप आज आपको डेवलप करना है, 50 जो 50 तक आप यंग एंटरप्रेनर को बहुत चांसेस देता है। सो मेरा बेस्ट विशेष है कि आप भी एक अच्छा इन्वेस्टर आएगा, आप डिस्ट्रीब्यूशन और डीलरशिप आप बढ़ेंगे। मेरा बेस्ट विशेष है, कुछ है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू।